क्लीनअप विद हमारे पाउडर उबटन पाउडर, तो मैंने यहाँ पे लिया है हमारा हाफ टी स्पून उबटन वाला पाउडर। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं रॉ मिल्क, मैंने 1 टेबलस्पून लिया है हमारा रॉ मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम अच्छे से देंगे अपने फेस से मसाज। गाइज आपने 4 to 5 मिनट बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, बट मेक श्योर आपने बहुत लाइट हैंड यूज़ करना है। आप अपने फेस से बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे, बिकॉज में बहुत छोटे छोटे पाकी पार्टिकल्स है जो स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट भी कर रहे हैं। सो मैंने बहुत अच्छे से अपनी स्किन को सर्कुलर मोशन में मसाज दी है। बेसिकली हमने क्लींस किया है अपने फेस को बहुत अच्छे से सी। तो अब कर लेते हैं अपने फेस को वॉश। मैंने फेस की वॉश किया और मुझे फर्स्ट यूज़ में अपना फेस बहुत अच्छा लगने लगा। गाइस नेक्स्ट करेंगे हम एक्सफोलिएशन। तो यहाँ आप चाहे तो कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने टोमेटो लिया है, इससे बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन होता है। तो मैं टोमेटो को लेके अच्छे से सेम पेस्ट था बच गया था, तो मैं उसे अच्छे से अपने फेस को मसाज दे रही हूँ। अगेन आपने इसको भी 4 to 5 मिनट बहुत अच्छे से देना है, एंड अगेन बहुत लाइट है। आपको लगे कि आपका टोमेटो सूख गया तो इसको फॉक्स हल्का थोड़ा वही कर ले, तो आपका ना टोमेटो का जूस बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो मैंने बहुत अच्छे से उससे मसाज दिया अगेन, और उसके बाद आई लव माई स्किन यू गाइज। तो मैं देखिए मसाज दे रही हूँ, इसको भी आपने 4 to 5 मिनट करना है और देन हम अपने फेस को कर लेंगे वॉश। गाइज सी माई स्किन इज लाइक क्वाइट गुड राइट। गाइज नेक्स्ट हम लास्ट लगाएंगे फिर से फेस पैक। तो मैंने यहाँ पे लिया है हमारा पाउडर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ योगर्ट। गाइज दही बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, तो मैं दही से अपना फेस पैक बना रही हूँ। अब जिससे चाहे बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से किया है मिक्स और मैं बहुत अच्छे से अपने स्किन पे इसको लगा लूंगी। आपने 60% ड्राई करना है पूरा, 100% कभी भी अपने पैक को ड्राई नहीं करेंगे। तो आपने इसको 60% ड्राई करना है और हल्का सा गीला करके सर्कुलर मोशन में बहुत से ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है। मैं भी कुछ अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ इसको, और ऑलमोस्ट हमारा पैक लग गया है। और यहाँ देखिए मेरे 60% ड्राई हो गया है और मैंने अब कर लिया है अपने फेस को वॉश, एंड माय स्किन लुक, माय स्किन फील सो गुड यू गाइस। आपने देख लिया मैंने कैसे यूज किया है। आप
इसको डेली आप इसको जैसे मन करता है वैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। आप बाथरूम में रखते हैं, आप जाए आप वाटर लेके हल्का सा किया एंड बहुत लाइट हैंड से आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ पैक भी लगा सकते हैं, आप इसे जैसे चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत टाइम से क्लीनअप नहीं किया था तो आई थॉट कि मैं क्लीनअप कर लेती हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने अपने फेस पर क्लीनअप किया, इसके लिए नहीं कहूँगी मेरी बहुत डूई और ग्लोई मुझे फील हुई, अफकोर्स नॉट, इस बहुत सफल और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील हुई मुझे, जो मुझे फील करने में बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ना अपने स्किन पर ना ग्लो अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे वो ग्लो अपने फेस पर नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना फेवरेट शीट मास्क लगाया इसके बाद, एंड जब हटाया तो गाइस फेस ना शीट मास्क जो था वो येल्लो हो गया था, मीन्स गाइस इसमें ना टर्मरिक है जो हमारे फेस को येल्लो भी बनाती है, तो मेरी स्किन टोन ना पिंक है, तो मेरी स्किन पर ना मेरी स्किन मुझे बहुत येल्लो येल्लो फील हुई जब यूज़ करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नोज का आइडिया बिल्कुल यू नो क्लीन अच्छा लगा था, और जिसने एक्सफोलिएशन करी मेरे फेस की स्किन ब्राइटनर भी लग रही थी, अगर आप नॉर्मल टोन नो हल्का सा आप डार्क स्किन टोन पर आते तो फेस अगर येल्लो लगता है ना काफ़ी ब्राइटनर लगता है ना काफ़ी लाइटनर लगता है, सो या हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज ओवरऑल आई लाइक द मास्क यू गाइस, या गाइज एज यूजुअल मैं आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आई होप वीडियो आपके यूजफुल रहा है और रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल यू गाइस, सो या अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।